हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के मूवमेंट और ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ। आप बैंक निफ्टी में कहाँ पे एंट्री एग्जिट करना है विद स्टॉप लॉस बताऊँगा। ये सिर्फ पेपर ट्रेड करना है, इसकी एक्यूरेसी लेवल 95% है। अगर टारगेट हिट हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अगर टारगेट हिट हुआ तो ही। आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस और मार्केट एनालिसिस के वीडियो डालता रहूँगा। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। ये चैनल स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोज, कमोडिटीज, फॉरेक्स और वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस के बारे में है। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं 2007 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस 15 साल में मैंने काफ़ी नॉलेज अर्न किया है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, जिसमें कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज भी है, बहुत सारे ट्रेडिंग बुक्स पढ़े हैं, खुद भी रिसर्च एंड R&D किया हुआ है। नाउ आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। माय एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, और इसमें मैंने खुद के भी अल्टीमेट प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए हुए हैं। अभी मैं लोगों को टीच करता हूँ, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज देता हूँ। सो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रेडिंग कोर चैनल लर्न फॉर प्रॉफिट। आज मैं आपको बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के मूवमेंट के बारे में, उसके एनालिसिस के बारे में, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे चैनल का डिस्क्लेमर ये है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये चैनल के माध्यम से हम किसी से कोई भी चार्जेस फीस नहीं लेते हैं। हमारे बताए हुए ट्रेड अपने खुद के रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय से ही ट्रेडिंग करें। आपके प्रॉफिट और लॉस में मेरा और मेरे चैनल का कोई संबंध नहीं है। ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है, स्पॉट लेवल का, ये फ्यूचर का नहीं है। इसमें कुछ मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं, नीचे ये RSI दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं RSI में बेयरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसमें सिर्फ एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट बताने वाला हूँ, जिसकी एक्यूरेसी 95% है। दोस्तों, अपना मार्केट अभी यहाँ पे 39,546 ये लेवल पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। अभी कल मंडे को ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, ये हम अभी नहीं बता सकते, पर हमको एंट्री यही लेवल पे लेना है। अभी समझो ये है 39,743 पे क्लोज हुआ है। समझो 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे कहीं भी एंट्री ले लो, 100-150 पॉइंट समझो 39,740 पे क्लोज हुआ है, तो 839,900 यहाँ पे भी ले सकते हैं एंट्री, या नीचे 39,500 तक भी आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें इसका स्टॉप लॉस है रहेगा, इसका ये ऑल टाइम हाई का 41,840 का ये स्टॉप लॉस है, और इसका फर्स्ट टारगेट है 37,631 का है टारगेट। तो ये रेशियो 1:1 है, 1:1 रेशियो में आपको ये एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट है 37,631, और दोस्तों इसका सेकंड टारगेट है 36,050। फर्स्ट टारगेट 2100 पॉइंट का है, सेकंड टारगेट और 1500 पॉइंट का है, मतलब ये 3,500 पॉइंट का हो जाता है, और फाइनल टारगेट है 32,475। फर्स्ट टारगेट की एक्यूरेसी है 95%। सेकंड और थर्ड टारगेट को थोड़ा टाइम लगता है, पर सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट 80-90% एक्यूरेसी उसका भी आता है, फाइनल टारगेट को थोड़ा टाइम लगता है। और ये फर्स्ट टारगेट का टाइम पीरियड है 8-10 दिन,
क्योंकि 2100 पॉइंट है दोस्तों, 2100 पॉइंट बैंक निफ्टी का, तो इतना आने में ले 8 से 10 दिन का टारगेट है। ये 2 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, और इसका टाइम है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन में ये टारगेट अचीव हो जाएगा। सेकेंड टारगेट के लिए आपको 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, और फाइनल टारगेट के लिए 1.5 से 2 महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ऑलमोस्ट 10,000 का गैप रहता है, 8 से 10,000 का पॉइंट का गैप रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बेरी डाइवर्जेंस कैसे बना है, RSI में क्लियर दिख रहा है, और मेरा खुद का भी प्राइस, अल्टीमेट प्राइस एक्शन पैटर्न से ये मैंने ट्रेड निकाला है। ये डेली का ट्रेड होने की वजह से इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 8 से 10 दिन। अगर मैंने 1 घंटे का टाइम चार्ट यूज़ किया रहता तो उसमें 1 से 2 दिन का टारगेट होता है, 15 मिनट के चार्ट में इंट्राडे या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे में टारगेट अचीव हो जाता है। मैं आपको इंडेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टोज, कमोडिटीज, करेंसीज, फॉरेक्स, ये सब में ट्रेड देते जाऊंगा। अभी ये फ़िलहाल तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, अभी मैं ये शॉर्ट में आपको ये ट्रेड बताऊंगा, फिर नेक्स्ट मैंने ये कैसे ट्रेड किया, क्या एनालिसिस किया, ये ट्रेड कैसे निकला, ये सब मैं आगे आगे शेयर करते जाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। आप इसका स्क्रीन का एक फ़ोटो निकाल लीजिए, और अगर टारगेट हिट हुआ तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।